हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम हैं सूरत में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम फ्लाइट से आए थे। तो फिलहाल अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और जस्ट एडिटिंग कंप्लीट करी है मैंने, अपलोड पे लगाई है। और बाकी पीयूष और शायद सो रहे हैं। तो आज मेरा शूट है यहाँ पे। किस चीज़ का शूट है वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो जब आएगा तो ही बताएंगे, नहीं तो फिर ना फेक वीडियोज बनती हैं। और सरप्राइज भी रहेगा ना आप लोगों को, एक्साइटमेंट भी रही क्या आने वाला है। तो वही शूट के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो मेरा शूट है, बाकी ये तो सोए, मैं तो अभी जल्दी से रेडी होता हूँ। बाकी शूटिंग वाली पूरी टीम आ चुकी है तो उनसे मिलेंगे। एक बार जल्दी से नहा लेता हूँ मैं। तो गाइज़, मैंने तो नहा लिया है, अब इन दोनों को उठाना है और इन दोनों को रेडी करना है, फिर हमको निकलना है शूट पे, क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है ना। बाय द वे, उजाला हो चुका है और बाहर का व्यू देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी टाइम आ चुका है होटल को बाय बाय कहने का। अब हम यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे, सीधा शूट से वहीं से निकल जाएंगे सीधा मुंबई। साहिल और पीयूष तो अभी तक रेडी नहीं हुए, तो अभी हम जा रहे हैं उनको, फिर बाद में पिक कर लेंगे। तो अभी सेट पे पहुंच गए हैं एंड ये हैं आज के हमारे डायरेक्टर सर। नमस्ते, व्हाट्स योर गुड नेम? नितेश त्यागी। आई एम नितेश त्यागी, डायरेक्टर नितेश त्यागी। एंड ये हमारे प्रोड्यूसर। कैसे सौरभ भाई? बढ़िया। हमारा दूसरा गाना है सौरभ भाई के साथ और होपफुली बहुत ये भी अच्छा जाएगा पहले वाले की तरह। अच्छा, बताया नहीं तब तक ये हमारा दूसरा गाना नहीं है, ये हम लोग एड शूट कर रहे हैं। हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे मिलने मिलने आए हैं, भाई की याद आ रही थी तो भाई ने मैंने बोला था सरप्राइज है, बोला हम सेलिब्रेट करने आए थे तो इधर बस केक काटने सौरभ भाई आ गए एक फ्लाइट लेके हमारे साथ मिलने। हम कुछ शूट, हम म्यूजिक वीडियो दूसरा शूट नहीं कर रहे भाई। देखो, हमारा पहला गाना तो बहुत मस्त चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है। एक ही दिन में 10 मिलियन और 1 मिलियन लाइक भी होने वाले हैं। आपके फैन ही ऐसे क्या करे, इतना पसंद करते गाने को। तो सर ने दिया था मुझे पहला गाना। अब भाई भाई, तो मेरे पास कॉल आया था, काफी लोग पूछ रहे थे आपको गाना मिला कैसे। तो मेरे पास कॉल आया था, मैंने पहले तो मना कर दिया कि मुझे नहीं करना, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं है। तो सर ने कहा मेरे पास एक फन टाइप का गाना है, सुन लो एक बार। मैंने सुना, मौजा मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ चलो करते हैं। और आज देख लो दूसरा गाना भी कर रहे हैं। हाँ, दूसरा गाना भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने, लेकिन इस बार इन्हें ऐसा नहीं बोला कि नहीं करना है। हाँ। इस बार ने बोला भेजो गाना। नहीं, वो ये भी मुझे आ गया कि हाँ, इसके लिरिक्स भी मुझे बहुत पसंद आए। हाँ, ये गाने की लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, ये गाना जेन्युइनली चलेगा, ये गाना ऐसे बहुत उम्मीद है, ये गाना भी अच्छा लगेगा आप लोगों का। तो अभी सेट रेडी हो रहा है, आज बड़े वाले कैमरे पे शूट होगा। तो ये सारा सेट का सामान जो कि इस ट्रक में आया था, जो कि सारा निकल रहा है, अब ये सारा सेट होगा, उसके बाद कैमरे वैमरे लगेंगे इसमें। और यह है प्यारी सी लोकेशन जहाँ पे सारा शूट होगा। तो लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। अब की बार पे शूट पे टीम बहुत बढ़िया, लास्ट टाइम थोड़ी कम थी लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम मैं तो आ ही नहीं पाया था, अपना शूट लास्ट टाइम शिमला था। तो यहाँ पे देखो ये वाले कीड़े बहुत हैं और सौरभ भाई को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो हाथ में भी उठा लेता हूँ। आ ही नहीं रहे, आ गया। ये देखो आ गया, गिर गया। ये देखो भाई, ये काटने वाला कीड़ा नहीं है, कीड़े का मूड चेंज हो गया। तो नहीं, काटने वाला है ही नहीं वो, इससे गुदगुदी नहीं होती, गुदगुदी भी नहीं हो रही, कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो गाइस, फाइनली 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं। केक बनता है, केक तो बनता है, काटेंगे केक, अब ये अपना बस खत्म हो जाए। पहला गाना 10 मिलियन एक दिन में बहुत बड़ी बात है। आप कैमरामैन? हां, डीओपी। आपका नाम? यश शाह। तो ये वाला कैमरा है जिससे शूट होगा, क्या नाम है इस कैमरे का? एरी 60। तो अभी चल रहे हैं मेकअप के लिए, पीयूष और साहिल अभी तक नहीं आए हैं, वो आने वाले होंगे। तो अभी गाइज, मेरा मेकअप तो हो चुका है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो लिटरली एकदम बच्चा लग रहा हूँ, एकदम। वैसे भी आप यार ज़्यादा बड़े थोड़ी हो, 21 के तो। हाँ, ये भी है, मतलब जितने भी हैं, जितनी टीम है, इवन जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस से भी बिल्कुल बच्चा सा। अरे, हाइट भी छोटी है मेरी, पता नहीं कैसा लगेगा। अरे बढ़िया लगेगा, आप टेंशन मत लो। पहला वाला भी लगाना अच्छा वीडियो, पहला तो उम्मीद नहीं थी 10 मिलियन, वही तो पहला वाला भी अच्छा लगा, दूसरा इससे अच्छा लगेगा। तो अभी कैमरामैन कैमरे के साथ में ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अभी फर्स्ट टेक हो चुका है और ये देखो, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, देखो भीग गया मैं तो पूरा ही। बोला माइक में, बोल दो थोड़ा सा, थोड़ा माइक में बोल दो सबको। थैंक यू। आधे ज्यादा शूट तो हो ही है, मेरे को लग रहा है आज लेट हो गया, बहुत लेट हो गए। 9 बजे का नाम लगे, अभी कितने बज गए? 12 बज गए, 12 बजे पहुंचे हैं। हो गया क्या? हो गया? अरे वाह, चलो कांग्रेचुलेशन। तो अब हमारा शॉट है इस पे। तो गाइस, इस वाले कैमरे से शूट हो रहा है, मूवी वाला कैमरा। ये देखो मेन स्ट्रगल, कैसे उठा रहे हो इतना भारी। इनकी टीम देखो बहुत बड़ी है। तो अभी ऑलमोस्ट आधा शूट हो चुका है और अब है लंच टाइम और कॉस्ट्यूम भी चेंज करनी है। और साथ में हमारे गाने पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, 1 मिलियन लाइक भी हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन करते हैं, केक काटते हैं, मतलब 1 मिलियन लाइक्स
वो भी पहले गाने पे। केक तो बनता ही है ना, होपफुली आपको ये वाला भी पसंद ही आएगा। चलो आप अपना कोई दूसरा वाला गाना सुनाओ। क्या सुनाओ, कुछ भी नहीं, ये ब्लॉग के लिए है, ये बिहाइंड द सीन ही ब्लॉग के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है वो मैम के साथ में, और मैं अपना पहला गाना गाती हूँ। पहला गाना ठीक। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। वाओ तो केक कट कर लिया है, सेलिब्रेशन हो चुका है। तो फिलहाल अभी लंच करते हैं, तीनों भाई का लंच तो यहीं पे ही आ गया। तो खाने में है रोटी, सब्जी, दाल, ये आई थिंक रहता है, और ये सूखी सब्जी है, और ये सैलेड। नेक्स्ट शूट हमारा कहीं और है, तो सारा ताम झाम जो भी कैमरा है सारा कुछ रोलर वोलर सब लेके जा रहे हैं ये नेक्स्ट लोकेशन पे, और कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है हमको। तब तक मैं आपको यहाँ का टूर देता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या क्या है, पूरे सेट सब कुछ आपको दिखाते हैं एक करके, ठीक है। तो गाइज ये है हमारी एक्ट्रेस जो कि काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है, जो कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता, जब तक गाना नहीं आएगा, जब गाना आएगा तभी बताएंगे आपको, बाकी आप गैस करो। तो हमारे गाने में हमारे साथ में यही है, पलटना मत बस। और एक ये बना रखा है, एक बार इसके अंदर चल के देखते हैं, इधर आओ। अंदर कुछ नहीं है भाई, अंदर कुछ नहीं है, ये बाहर से दिखने के हैं बस। ऐसे लग रहा है बाहर से ताली छान होगा, अंदर जाके देखेंगे आंखों का धोखा। वाह, अंदर जाके देखो क्या बना हुआ है, क्या मस्त है। ये सिर्फ बाहर से शूट करने के लिए है। और ये है मस्त वाली कार जहाँ पे मैंने बहुत सारी फोटोज ले लिया है, शायद ये गाने में भी यूज होगी। और ये देखो ये कितनी मस्त लग रही है, क्लासिक महिंद्रा, मतलब इनको हम किसी भी तरह से क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हैं गाने में, तो वो काफी प्यारा ही लगता है। बस वो यूज करने के ऊपर है, किस तरह से यूज करना है, और हमने भी यूज किया है अभी तक तो काफी कुछ। एक सेट यहाँ पे भी है, ये पूरा वाइट कलर का, ये सिर्फ दिखने में प्यारा है, इसके अंदर होगा नहीं कुछ। तो यूजली इस तरह के सेट में दूसरे गाने में देखता था, जो इवन बॉलीवुड में, तो आज हमारे गाने में है, और इतने बड़े कैमरे में। बिहाइंड द सीन में आपको भी दिखा नहीं रहा, वो जब गाना आएगा तभी दिखाऊंगा, नहीं तो फिर लोग फेक वीडियोस बनाते हैं। ओनली थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में, शूट तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो मैं बाद में डालूंगा लेकिन। और यहाँ पे अभी शूटिंग चल रही है, इनका सामान देखो पूरा, ये डीजे वीजे सब कुछ कैरी करते हैं साथ में, इतनी तगड़ी वाली लाइट्स, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे सेट लगा रखे हैं शूट करने के लिए, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ये सब। ये देखो थोड़ी नीली नीली वाइब लाने के लिए, यहाँ पे ये डोर भी है। आज पता है मैं तीन काम कर रहा हूँ, एक तो मेरा म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा है, साथ में मैं दो व्लॉग शूट कर रहा हूँ, एक तो ये वाला जो कि आप देख रहे हो, एक बिहाइंड द सीन जब गाना आएगा तब। तो अभी गाइस सेकंड कॉस्ट्यूम हमने डाल लिया है, तो गाइस अभी सौरदा का हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ से 30 डिग्री मार रहे हैं, वहाँ से 60। तो अभी नेक्स्ट ड्रेसअप के साथ में हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट शूट के लिए। तो कैसे कैसे चल रहा है शूट? बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा मैं कैसे चल रहा हूँ? सौरव जोशी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये वाली लोकेशन तो मैं दिखाना भूल गया, देखो यहाँ पे भी है सेट। तो इस टाइम का फिलहाल सेट ये है, ये देखो कितना बड़ा पर्दा लगा दिया लाइट को सॉफ्ट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर बैठे हैं डायरेक्टर, और यहाँ पर इनको सब दिख रहा है वहाँ का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, से डर लग रहा है। तो अभी गाइस अंधेरा होने वाला है, और अभी तक हमारा शूट कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो अंधेरे में करना पड़ेगा। अब जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, अंधेरे में ही शूट करेंगे। चलो भाई। तो गाइस अभी हम आए हैं लास्ट लोकेशन पे, इसके बाद सीधा हम अपनी अपनी कहाँ जाएंगे इसके बाद सीधा मुंबई जाने। और ये देखो कितनी बड़ी चेस है, खेल सकते हैं इसको? तो अभी मैंने तो चेंज कर लिया है, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर। तो अभी होटल पहुँच गए, और अभी पूरे 12 बज गए, देख इसको नींद आ रही है। अभी हमने डिनर भी नहीं करा, पीयूष तो फुल नींदों में है, डिनर नहीं करेगा। तो पहले हमारा प्लान था मुंबई जाने का, जो कि कैंसिल हो चुका है, बिकॉज सारे थके पड़े हैं, सबको काफ़ी नींद आ रही है। तो हमारा प्लान है अब सुबह निकलेंगे मुंबई के लिए, अभी सोते हैं, मेरे को तो एडिटिंग भी करनी है। चलो टाइम मिल गया एडिटिंग। 1:33 पीयूष तो जा रहा है सोने, नहीं डिनर नहीं करना क्या? नहीं। पक्का? तो फाइनली गाइस शूट कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं होटल रूम पे, और रात के 12 बज गए, मतलब 11 बजे हमारा शूट कंप्लीट हुआ। पूरे 15 घंटे का शूट था, सुबह 6:30 बजे मैं निकल गया था, पीयूष और साहिल तो बाद में ही आए थे। बिल्कुल भी इजी नहीं होता शूट करना, सिर्फ 2.5 मिनट का वीडियो था, और 15 घंटे लग गए शूट करने में, बट मैंने तो अपना बेस्ट दिया, देखते हैं जैसा भी रहेगा। फिलहाल तो बस अब डिनर करना है, डिनर में कुछ और तो मिलेगा नहीं, 12 बज गए, सिर्फ पिज़्ज़ा मिलेगा, तो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करके खा लेते हैं। तो अभी गाइस डिनर करके आ गए हैं, फिलहाल एडिटिंग करूँगा, रात के 2 बज गए, क्योंकि सुबह सुबह हमको निकलना है, मेरा व्लॉग नहीं आया कल 8 बजे, अगर सुबह निकल गए और मेरी एडिटिंग नहीं हो पाई तो मुझे अभी ही करनी पड़ेगी, और अभी अपलोड करनी पड़ेगी। तो जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, और इस व्लॉग को करता हूँ एंड,
आज की शूटिंग काफ़ी मस्त थी, काफ़ी फुल मज़ा आया। तो जल्दी ही गाना आपको देखने को मिलेगा और बिहाइंड द सीन भी अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्लॉग तो एक थोड़ा सा वैसे ही बनाया मैंने, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ा आ रहा है मुझे, ऐसा आर्टिस्ट बहुत पसंद है जो एकदम चले जाते हैं हमारी तरह हॉलीवुड, और हमें हॉलीवुड वाले। तो ये वीडियो ना ये इतनी वायरल होने वाली है ना, दुनिया हिला देंगे यहाँ पे। खतरनाक डायरेक्टर हैं, बहुत खतरनाक, लिटरली बहुत, बहुत, बहुत इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब नेक्स्ट लेवल है हमारा, नेक्स्ट लेवल बंदा ही नहीं है। अरे भैया हरियाणा वाले गाजियाबाद वाले बैठे हैं यार, कैसे हाँ। हमने स्पेशल सौरभ जोशी जी के लिए स्पेशल सेट बनवाए। लौंडे लौंडिया सब बहुत मरते हैं इन्हें देखने के लिए, तरस रहे हैं कुछ भी। जैसे ही मैंने बोला सौरभ जोशी को शूट लेने जा रहा हूँ भाई, सच में पता है क्योंकि स्टाइलिश से पहले थी ना, उसने बोला सौरभ जोशी, मैंने बोली मेरा पूरा परिवार दिखता है सर उसकी वीडियो, मैंने बहुत बढ़िया, वेल डन।